वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में आजकल इवेंट्स चल रहे हैं, आगे भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा एक्टिव करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कल जो नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की लुजैन में, जो डायमंड लीग का मीट था, और इससे पहले वो दोहा में भी जीते थे। एक बार फिर उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली, 87.66 मीटर्स की उन्होंने थ्रो की, और जूलियन वेबर जो कि जर्मनी के हैं उन्होंने 87.03 मीटर्स की थ्रो की, और जो चेक रिपब्लिक के जैकब हैं उन्होंने 86.13 मीटर्स की थ्रो की। तो नीरज चोपड़ा अभी तक 87, 88, 89 यहाँ पे अभी तक 90 को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि वो कंसिस्टेंटली फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं। इससे पहले जो ज्यूरिख में जो फाइनल्स हुए थे लास्ट ईयर 2022 में, वो भी उसमें भी उनकी फर्स्ट पोजीशन थी। तो पेरिस ओलंपिक्स सिर्फ कुछ ही मतलब एक साल रह गया है, उससे पहले बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ एशियन चैंपियनशिप भी इसी महीने आ रही है, थाईलैंड पताया में वो होगी, और उसमें जो पाकिस्तान के अर्शद नदीम हैं वो तो उससे बाहर हो गए इंजरी की वजह से। काफ़ी अर्से से वो उन्होंने किसी मतलब नेशनल गेम्स में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स वो लास्ट ईयर जो गोल्ड मेडल जीते थे तब से वो कोई अर्शद नदीम नहीं खेल सके। तो ऐसे में ही इज़ द ओनली साउथ एशियन, इंडिया पाकिस्तान अगर देखा जाए तो 90 मीटर्स क्रॉस करने वाले, और अगर वो नहीं वापस आते, अगर इंजर्ड रहते हैं, तो नीरज चोपड़ा के ऑब्वियसली एशियन चैम्पियनशिप जीतने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स में भी अगर इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस चलती रही तो वो एज फेवरेट जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। एशियन चैम्पियनशिप के बारे में भी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं कुछ बैडमिंटन की जो अपडेट्स हैं उनके हवाले से भी वीडियोस डालूंगा, और बाकी खेलों क्योंकि विंबलडन भी आ रहा है और आगे क्रिकेट का वर्ल्ड कप, एशिया कप, काफ़ी कुछ होने वाला है, तो उसके हवाले से भी आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा।